जूते जैसे हम चेंज करते हैं, तो जैसे ही चेंज करते हैं तो यार इसमें तो पहले जैसे मज़े हैं ही नहीं, या फिर मज़ा आ ही नहीं रहा है, तो और हम पहले वाले ही में ही कंफर्टेबल फील करते थे या फिर उसमें हम सर्वाइव हो चुके थे। वैसे ढलना हमारा जो लाइफ है उसके अकॉर्डिंग ढलना स्टार्ट हो गया था। आज हम बताएंगे आपको पेशेंस। पेशेंस एक की है सक्सेस का, पावर है, जिसे हम लोग नहीं रख पाते हैं, और जो बना पाता है पेशेंस वह यहाँ से यहाँ पहुँचता है। हमारी बातों को सुनिएगा थोड़ा सा। परफेक्ट सोच की बात करें तो आपने उसमें जैसे अपने आप को, अपने पैर को फंसाया, आपको लगने लगा हाँ ये तो बहुत आनंद दे रहा है। लेकिन आप कभी भी अगर नए सूझ की तरफ जाते हैं, नए सूझ लेते हैं, तो उसको जैसे ही आपने वियर किया लग जाता है यह तो अनकंफर्टेबल है। थोड़ी दूर चलने के बाद पता चलता है अरे यार ये तो पहले वाला ही सही था। चलने में कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पेशेंस बनाएं और उसमें अपने आप को ढालना शुरू करें तो आप कर ले जाओगे, वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं। लाइफ में जब भी हम कुछ बड़ा करने का इरादा बनाते हैं, या बड़ा करने जाते हैं, मन बनाते हैं, एकदम से उस पर जुट जाते हैं, तो ऐसा लगता है कभी कभी कि छोड़ देते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चौथे दिन अपने आप वो चीज़ें हट जाती हैं, आपका मूड बदल जाता है, कहते हैं अरे यार इस सब में क्या रखा है, इन सब से कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। जैसे आप कभी फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेचिंग होती है, बहुत सारे बच्चे दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी उनको लगता है पैर में छाले पड़ गए, और वो फिर भी दौड़ते जाते हैं। पेशेंस, यहाँ पर मुद्दा है पेशेंस का। अगर आप अपने को उस अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, मात्र 21 डेज, 21 दिन की बात करते हैं, मात्र 21 दिन, ये बोर्ड पे जो लिखा है ये बातें सत्य हैं। पेशेंस, 21 दिन तक सिर्फ आप लर्नर की तरह काम करिए, लर्नर, ना एक्सपर्ट नहीं बनना है, हमें सिर्फ लर्नर बनना है, लर्नर। एजुकेशन और लर्निंग दोनों में बहुत ही फर्क है। अगर लर्नर बनते हैं तो बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, सीखने के बाद आप एजुकेट होइए। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं आईएएस बनिए, पीसीएस बनना चाहते हैं पीसीएस के लिए बनिए। अगर आप एक मामूली सा डीएलएड, मामूली क्या, बहुत बड़ी चीज होती है जब ठान लो तो, डीएलएड कर रहे हैं, गुबडी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मस्ट है पेशेंस। पेशेंस इज द की ऑफ द सक्सेस, सक्सीड। डायरेक्शन, झुकाव जिसे कहते हैं, झुकाव आपका होना चाहिए, उसके लिए ललक होना चाहिए। जैसे आपने जूते लिए नए, आपने पहले तो पुराने जूते वियर किए थे और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करा ले रहे थे और आप सेटिस्फाई थे उससे, लेकिन जब एक नए सूज आपके पास आता है और आप उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर बाद टाइट लगेगा थोड़ा सा, और लगेगा कि बस इसको बदल देते हैं, हम पहले वाले में ही सेटिस्फाई हैं और उसमें हम अपने आप को सर्वाइव कर ले जाते हैं, लगता है हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको वियर करते हैं मजबूरी के थ्रू या किसी और के जरिए आप उसे वियर करते हैं और पहन लेते हैं। धीरे धीरे उसमें आपकी आदत हो जाती है और आपके सुझाव और ढाल के मुताबिक वह भी आप में ढल जाता है, घुल जाता है, बाद में आपको वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। यही होता है पेशेंस। पेशेंस का मतलब यह नहीं कि आप पढ़ रहे हो घर में, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हो भैया, पढ़ते जा रहे हैं, रात हो गई और घर में आग लग गया, पता भी ना चले मुझे कि घर में क्या ही हो रहा है, ऐसे भी पेशेंस, यह पेशेंस नहीं है, यह पागलों की आदत है। नहीं, पेशेंस का मतलब धैर्य से सिर्फ हमारी बातें हैं, हम ये नहीं कहे या फिर यह नहीं होता है उसका मतलब कि तुम सारी बातें इग्नोर कर दो, नहीं, अब सब कुछ करो, लेकिन अपने जो इच्छाएं हैं, जो आपकी
लक्ष्य है उसके लिए आप दौड़ जो लगा रहे हो, हारना नहीं है मुझे। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मूड बदल जाता है बच्चों का, हमारा भी बदला करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ घंटों के लिए अगर ऐसा होता है तो अपने आप को कुछ ऐसे किताबें पढ़ने में मन लगा लीजिए, रुचि बना लीजिए कि जो आपको नेगेटिव की तरफ न ले जाए। नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आपके सोच के मुताबिक आए हैं नहीं, तो बस